हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आर एस पांडा भाई यूट्यूब चैनल में। तो भाई सीजन एंड के अपने रिवॉर्ड्स है ना जो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओनली यार आज मैं कोइंस कलेक्ट करने वाला हूँ ना, ठीक है। और बाद में देखते हैं अपन, जैसे कि सिल्वर क्रेट अपनी है और गोल्ड क्रेट भी है, ठीक है। इनको अपन बाद में कलेक्ट करेंगे, पहले अपन कोइंस को इकट्ठे कर लेते हैं। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो, मतलब बहुत सारे कोइंस अपन को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यार तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी भाई, जो दूसरी क्रेन के बंदे हैं ना, वो कमेंट में आके हेड फैला रहे भाई, ठीक है। पता नहीं यार इनको क्या चुल मची है, पता नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, फिर भी भाई आके बोल रहे हमारी क्लेन अच्छी है, हमारी क्लेन अच्छी है, ठीक है। तो यार क्या ही बोल सकते हैं अभी, है ना, ठीक है, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यार देखो ना, अपन को पता है ना इस बार क्लेन वोर आने वाला है, ठीक है, मतलब एक बार और क्लेन वोर अपना आने वाला है। तो ध्यान रखना भाई अपने जितने भी क्लेन मेंबर हैं, ठीक है, तो दिखा देंगे इस बार भी, ठीक है। तो यार फटाफट से भाई कोइंस कलेक्ट कर लेते हैं यार, वैसे भी अपना टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, ठीक है। तो मैं पता है यार अभी तो अपन को गेम प्ले भी करना है ना। और देखो यार मेरी बात सुनो, मेरा एक और चैनल है ना, आर एस स्क्वाड बस्टर्स, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एंड सब्सक्राइब कर लो, जो स्क्वाड बस्टर्स खेलता है तो उसको ना भाई वीडियोस वगैरह देखा करो डेली, ठीक है। तो मैं ना उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब कर दो एंड यार उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यार उस पर भी अगर वीडियोस अपलोड होती है तो तुम्हें लाइक करना है एंड कमेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, ये वाला है, ठीक है। तो देखो यार वैसे तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस पे ना मतलब 4K+ सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। तो तुम सोच रहे होंगे कि यार ना इसके व्यूज़ तो अच्छे आएंगे इस पे, है ना। तो देखो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, मतलब पहले इस पे शॉर्ट्स अपलोड करता था मैं, ठीक है। एंड जो शॉर्ट्स वाले सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो यार बेकार होते हैं, मतलब ठीक है, वो कुछ काम के नहीं होते हैं, बस वो तुम्हें ना AI सब्सक्राइबर्स मान सकते हो उनको, ठीक है, जो कि फेक सब्सक्राइबर्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उनको भाई तुम समझ सकते हो भाई यार उनसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है हमें, है ना। हमें चाहिए भाई रियल सब्सक्राइबर्स, ठीक है। जो शॉर्ट्स से बढ़ते हैं ना भाई, वो एकदम फेक सब्सक्राइबर्स रहते हैं, है ना यार। अगर तुम्हारे चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करते हो तुम लोग, ठीक है, एंड यार उससे यार तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं। तो यार देखो वैसे तो है ना, मतलब वो सब्सक्राइबर्स शॉर्ट्स देखने के लिए होते हैं, है ना, क्योंकि यार वो शॉर्ट्स वाले सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है। पर यार जो उनको फायदा होता है वो लॉन्ग वीडियो से ही होता है, ठीक है। तो यार लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं यार, लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ भाई मैं, ठीक है। तो तुम यार फटाफट से अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ना, वहाँ से भाई तुम है ना सब्सक्राइब कर सकते हो एंड है ना उसकी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें लाइक करना है एंड प्यारा सा कमेंट भी कर देना है ना। और तुम्हें यार मैं एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, जो भी यार क्लेन में ज्वाइन होना चाहता है ना यार, फटाफट से पहले डिस्कॉर्ड पे आओ, ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें ना। और यार देखो तुम्हें एक बात और पता होगा यार, जिस वीडियो पर कम व्यूज आते हैं ना उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यार उस वाली वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि यार तुम्हें पता है यार थोड़े व्यूज़ की जरूरत मेरे को भी पड़ती है, ठीक है। एंड यार कम व्यूज़ की वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ भाई, है ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता कभी कभार, है ना। पर कोई बात नहीं यार ना, मैं बस तुम लोग सपोर्ट करते रहो भाई, मतलब मुझे पता है यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बस तुम यार सपोर्ट दिखाते रहो, है ना, लाइक का बटन दबा दो फटाफट से अगर ना वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो यार। बहुत बंदे तो अभी है ना पता नहीं यार भाग गए होंगे, है ना, वीडियो मतलब आधी छोड़ के भाग जाते हैं बहुत बंदे, पता नहीं यार क्या ही करते हैं ना, ठीक है। कोई बात नहीं यार ना, फटाफट से देखो यार ये जू भागे सस्ते ना से, है ना, ऐसे कोई बात नहीं भाई, होते रहते हैं, ठीक है। देखो इन लोगों ने रोक ही दे दिया है पैसों में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार इन लोगों के भाव बढ़ चुके हैं भाई, अब तो यार ये इतना महंगा दे रहे हैं भाई, है ना, ठीक है यार, कौन लेगा इतना महंगा। तुम्हें पता है यार पहले साइज समथिंग है ना 1700 जेम्स में मिलता था साइज, ठीक है, 1700-1800 जेम्स में मिलता था, मेरे को पता है, ठीक है, उतने जेम्स में मिलता था। एंड यार देखो इन लोगों के भाव बढ़ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा, अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपन फ्री का माल लूट लेते हैं। देखो यार इतने जेम्स तो मेरे पास है भी नहीं, पर देखो मैं चाहूँ तो अभी खरीद सकता हूँ फिर भी, ठीक है, पर मुझे नहीं लेनी यार, इतनी महंगी दे रही है लोग, पर कोई बात नहीं, अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यार फटाफट से अपना जो कैरेक्टर है भाई वो लगा लेते हैं, जो कि है भाई अपना पेपर, ठीक है। तो पेपर अपन लगा लेते हैं एंड पेपर वाले कमेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा पेपर वाला कमेंट, ठीक है भाई, चलते हैं फटाफट से मैच के अंदर एंड करते हैं बूम बम, ठीक है। तो मैच में अपन आ चुके हैं भाई, फटाफट से वेपन्स वगैरह लूट लेते हैं। सिल्वर वाला बो अपन को मिल चुका है, है ना, ठीक है। जैसे कि देखो तुम लोगों को पता होगा यार इस बात का कि जुआ में यार छोटे लेवल के बंदे मारना ना इजी है, ठीक है। तो देखो यार मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि छोटे लेवल के बंदों को नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो मारो भाई, देखो मेरी बात सुनो, है ना, जैसा कि है देखो यार अगर तुम नहीं मारोगे ना तो कोई दूसरा बंदा आके उनको पेल देगा, ठीक है। जिससे अच्छा है तुम्हें मार लो एंड तुम्हें पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यार बहुत बंदे सोचते हैं क्लेन वॉर में कि ना यार मैं किल क्यों करूँ, मेरे को क्या फ़ायदा इसमें ना क्लेन लूँ, तो पूरे क्लेन को फ़ायदा होगा इससे ना मेरी वजह से, बहुत से बंदे ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ भाई कि ना तुम ज़्यादा किल करोगे ना तो उसमें तुम्हारा भी फायदा है, ठीक है, तुम्हारी आईडी ग्रो अप होगी जल्दी भाई, है ना, ठीक है। एंड यार जहाँ पर तुम्हारा डैशबोर्ड होता है ना इन्वेंटरी का, वहाँ पर तुम्हारे किल्स भी इंक्रीज होंगे भाई, ठीक है। तुम्हारे पूरी जनता को जो किल दिखते हैं ना, तुम्हारे टोटल किल कितने हैं, ठीक है, वो भी तुम्हारे वहाँ पर इंक्रीज होंगे। एंड यार तुम्हारे जो इवेंट्स हैं ना वो भी जल्दी जल्दी कम्प्लीट होंगे, एंड वो तुम्हारा जो बैटल पास भी होता है ना वो भी जल्दी जल्दी कम्प्लीट होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा फायदे हैं यार, है ना, ठीक है, ज़्यादा किल करने के। तुम ये मत समझना कि ना ओनली क्लेन वॉर में क्लेन को ही फ़ायदा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई। जैसे कि यार तुम लोगों ने देख लिया होगा भाई कि यार जो जिन बंदों ने मतलब है ना क्लेन वॉर में मतलब ज़्यादा किल किए ना, ठीक है, तो वो वीकली इवेंट में टॉप 5% किया है उन लोगों ने।
और यार तुम्हारे इवेंट टिकट्स भी बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि तुम है ना मतलब किल पे किल करोगे ना तो बहुत सारे अपने जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए आते हैं ना, ठीक है, उसके भी तुम्हें टिकट्स मिलते रहेंगे, है ना, अगर तुम्हें किल वाला आया होगा तो, ठीक है, जैसे टॉप रेटर आता रहता है उसमें भी ना, तो तुम्हारे भाई जल्दी जल्दी पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पर रुको, पहले इसको मैं पहन लेता हूँ, पता चले ये मेरे को पहल देना, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है 20 लेवल का रवि है यार, है ना, तो थोड़ा अपन को संभाल के खेलना है। वैसे यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये प्लेयर है वो नूबड़ा है, ठीक है, नूबड़ा है, मतलब यार उसको खेलना नहीं आ रहा ठीक से, वरना यार ये अब तक मेरी पीटी बना सकता था भाई, इसके पास मौका है ना, इसको खेलना नहीं आ रहा मेरे को पता है शायद, है ना, मतलब यार बहुत से बंदे होते हैं जिनकी आईडी तो मिक्स होती है पर यार उनको खेलना नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें मैं एक यूट्यूबर का नाम बताता हूँ, अगर यार तुम उसका फैन हो तो मेरे को बुरा मत मानना मेरे ना उस बात का, है ना, ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो यार ना उसका शायद नाम रजवांजे जी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, तो तुम लोग यार उसका चैनल चेक कर सकते हो। हालांकि यार उसके कैरेक्टर की लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर यार वो नूबड़ों की तरह खेलता है, ठीक है। यार मैं बता रहा हूँ यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं खुद प्रो हूँ, ठीक है, मैं भी नूबी हूँ, पर है ना मैं बता रहा हूँ कि यार मतलब जो बंदे होते हैं ना मतलब ज़्यादा लेवल करके खेलते हैं अलग ही, है ना यार, उनको ठीक से भी खेलना था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत बंदे होते हैं जिनको ठीक से खेलना था भाई, लेवल ज़्यादा करने के बाद भी, है ना, खेलते हैं भाई बंदे, अब क्या कर सकते हैं, ना, ठीक है। तो यार मैंने ज़्यादातर हेड एंटर की कमेंट लिस्ट में देखा भाई, मतलब बंदे यार उसको नूब बोलते हैं ना, ठीक है, अब पता नहीं यार क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है, तो यार देखो रीज़न मेरे को पता है, मैं बताऊंगा नहीं, है ना, तुम बोलोगे ना फालतू में फैला रहा है, ठीक है, मेरे को पता है यार ना हेड एंटर को सब नूब की बोलते हैं, मतलब यार सब तो नहीं बोलते हैं ना, बहुत सारे बंदे हैं ना तुम लोगों ने कभी हेड एंटर के कमेंट्स में देखा होगा, ठीक है, मैंने तो देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास प्रूफ भी है भाई, मैं दिखा सकता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो यार हेड एंटर की वीडियोज़ में मैंने देखा यार ना बंदे उसको नूब बोलते बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अब यार उसका रीज़न है कुछ, है ना, ठीक है, मैं बता नहीं सकता पर तुम लोगों को, और यार अगर तुम खुद ढूंढ सकते हो उस रीज़न को तो ढूंढ लेना, ठीक है, वरना तुम्हें पता चले फालतू मैट फैला रहा है कि यार हेड एंट्री के लेन के बंदे आके यार मेरी वीडियो पे है ना कमेंट कर रहे हैं कि यार इस तेरी क्लेन तो नूबड़ी है ना, ठीक है। और यार देखो हेड एंटर प्रो ऐसे बोल रहा है वो बंदा, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ना मेरी बात सुनो, हेड एंटर प्रो यार तो अच्छी बात है ना भाई, क्या कर देना, हमने थोड़ी ना बोला उसको कुछ कि हाँ यार हेड एंटर नूब है, कि ना तुम बताओ यहाँ पे आके कि वो क्या है, ठीक है, हमने नहीं पूछा कोई से, किसी से भी, हमने किसी से कुछ नहीं बोला है, ठीक है, पर फिर भी बंदे आगे बोल रहे हैं आगे से कि हेड एंटर प्रो है, आरएस नूब है, तो यार कोई बात नहीं ना भाई, हम नूब है तो नूब ही है यार, है ना, ठीक है। पर यार देखो मैं सोच रहा हूँ यार किसी दिन यार क्लैन वॉर में ना होना चाहिए भाई ना, क्लैन वॉर में यार अपनी जो क्लैन है ना उतरनी चाहिए इनके साथ, जैसे फॉक्स ग्लोब के क्लैन के साथ भी उतरनी चाहिए, एंड यार जो अपनी हेड एंटर की क्लैन है ना इसके साथ भी अपनी उतरनी चाहिए भाई क्लैन, ठीक है, क्लैन वॉर के अंदर, फिर देखते हैं भाई पता चल जाएगा, ठीक है, किसकी क्लैन नूब है किसकी नूब नहीं है, है ना, तो यार एक बार उतर लो भाई क्लैन वॉर में, पर यार उसके लिए फेम पॉइंट्स सेम होने चाहिए, तुम्हें पता है इस बात का, है ना, ठीक है। जैसे कि यार मेरे तो शायद 775 है इतने फेम पॉइंट्स है हमारे क्लैन के, है ना, ठीक है, तुम्हें को पता है इस बात का। और यार देखो भाई है ना कम है यार, क्योंकि है ना हम फर्स्ट नहीं आ पाए, पर कोई बात नहीं भाई, ना कम है पर इतने भी कम नहीं है कि ना तुम समझ सकते हो भाई, ना बहुत से क्लैनों के तुम लोगों ने देखा होगा, अब क्या ही बोलो ना, कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा ना, ठीक है, तो बाहर में जाओ तुम, है ना, तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे देखो बक बचा हुआ है, देखो यार से ना बक को पहलते पहले, है ना। और यार मेरे को एक बात और कमेंट में बता देना, जो मैंने पेपर के ना फेरामोन लगा रखा है ना, तो यार ये फेरामोन ठीक है या फिर इसकी हीलियम लगाऊँ, है ना, मतलब बहुत बंदे सोच रहे हैं यार पेपर की हीलियम लगाना चाहिए वैसे, क्योंकि देखो मतलब बंदे पास में आएंगे ना तो अपन यार गर्दन ऊंची करके ना बंदों को दूर भेज सकते हैं, ठीक है, पर यार बहुत से बंदों का दिमाग होगा कि ना नहीं यार गर्दन ऊंची करके अपन बंदों को अच्छा डैमेज दे सकते हैं ना, हाँ तो देखो है ना बहुत बंदे ऐसे ही लगाते हैं ना, तुम लोगों ने नोटिस भी किया होगा भाई, प्रो प्रो प्लेयर्स, अरे सॉरी यार प्रो नहीं यार, उनको नो बोलेंगे अपन जो 20 लेवल करके खेलते हैं भाई, मतलब क्या ही बोले ना 20 लेवल कर लेते हैं फुल मैक्स एकदम और मैच में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यार उन लोगों ने लगा रखी भाई, हर कैरेक्टर के लगा लेते हैं, वो मैंने देखा यार एक बंदे ने स्टीव के लगा रखा फेरामोन, क्या ये वायु है साहब गजब यार, मतलब स्टीव कैरेक्टर ये कौन लगाता है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट लगा लेते हैं, नेक्स्ट वाले कमेंट्स भी दिखा देता हूँ, शायद यार लेवल डिस्काउंट पे आज, तो ये अपने नेक्स्ट वाले कमेंट्स, लव यू टू ब्रो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट, प्ले विद नेक्स्ट। और भाई तुम कौन से स्टेट में रहते हो बताओ ना प्लीज़ भाई, प्लीज़ रिप्लाई देना प्लीज़, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यार, मैं MP स्टेट में रहता हूँ, ठीक है, MP 31, है ना, अगर यार तुम्हें कभी आना हो मिलने तो आ जाना, वैसे मैं तुम्हें मिल ही नहीं पाऊंगा यार, तुम जानते थोड़ी ना हो कि मैं कौन हूँ आरएस पांडा भाई टी, ठीक है, तुमने मेरा फेस भी नहीं देखा है, ठीक है। तो देखो यार ना अपन बाद में करेंगे भाई ये सब मीटअप वगैरह, है ना, तो फेस अजय यार अपन ने फेस ही रिवील नहीं किया तो मीटअप कहाँ से हो जाएगा अपना ना, तो कोई बात नहीं भाई, अपन मिलेंगे बाद में सबसे, है ना, हाँ भाई अगर तुम बड़े फैन हो आरएस पांडा भाई, ठीक है, तो यार मिलना तो बनता है यार ना, अगर तुम दुबई में रहोगे ना भाई तो मैं वहाँ भी आऊँगा तुमसे मिलने, तुम पाकिस्तान में रहोगे ना भाई पाकिस्तान में भी मिलने आ जाऊँगा मैं, पर बस यार बिग फैन हो तो आना पड़ेगा ना यार, समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। तो भाई गोल्डन यार ये है ना जेक का बच्चा, मेरी सारी चीज़ चुरा रहा है, इसने हेल्थ किट भी चुरा ली है, अब तब तक इसको मैं मारूंगा नहीं ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वरना भाई रुको यार इसका ना ये खत्म होने दो, पहले इसका सन एंड मून है ना भाई, इसका जो चांद निकल रहा है ना अभी रुको, इसकी पेटी बनाते अभी, बहुत ही तरह रहा भाई बंदा, है ना, ठीक है, हाँ भाई। तो यार फटाफट से गोल्डन वो भी ले लिया अपन ने एंड हेल्थ किट भी ले लिए, वहाँ पे बैठ से ने मेरे को शक्ल दी गई,
रुको यार, उसकी इसकी उसको भी बजाना पड़ेगा शायद। अच्छा भाई, बंदे की तुम हिम्मत देख रहे हो, मतलब बंदा ना मेरे मेरे को देख के भागा नहीं, ठीक है, मतलब उसको फाइट लेने की छुल मच हुई है, खुजली चल रही है बंदे के, ठीक है, कोई बात नहीं यार, लेते हैं फाइट। अरे यार निशाने क्यों नहीं लग रहे? पर ऐसे निशाने नहीं लगेंगे ना भाई, तो हो गया काम। वैसे देखो मैं निशाने लगाने की फुल ट्राई कर रहा हूँ, एकदम सही लगा रहा हूँ निशाना, पर लग नहीं रहा यार, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अरे यार हाँ भाई, दो दो बो के अंदर मार दिया यार बंदे को ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यार देखो, मतलब जो भी अपने हेड हंटर है एंड एयर फोक्स ग्लोब वाले बंदे हैं, ठीक है, तो यार हेड मत फैलाओ भाई, बिल्कुल भी मत फैलाओ, ठीक है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है हेड हंटर फोक्स ग्लोब से, है ना यार, अभी तो हमारी भाई दोस्ती हुई, दोस्ती भी नहीं हुई है भाई अच्छे से, ठीक है। और तुम लोग यार हेड फैलाने स्टार्ट कर दिया भाई, मैं ठीक से बात भी नहीं की मैंने उन लोगों से भी, और तुम लोग हेड फैला रहे हो, ठीक है। तो यार देखो मेरी बात सुनो, है ना, अगर तुम लोग हेड फैलाते रहोगे ना तो सही समझ लेना, ठीक है, जिस दिन मैं फैलाऊंगा ना भाई उस दिन यार तुम रो दोगे भाई, सही बता रहा हूँ मैं, है ना। अब कुछ बोलूँगा ना तो बुरा लग जाएगा, इसलिए यार बोलेंगे नहीं अपन, ठीक है भाई, है ना, समझ सकते हो तुम यार, है ना। मतलब मेरे पास यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना हेड फैलाने के लिए, इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं भाई, अब क्या ही बोले, ठीक है। हेड हंटर का फेस रिवील तक है मेरे पास भाई, है ना, पर मैं ना दिखाऊंगा नहीं किसी को यार, पर्सनल लाइफ है बंदे की, है ना, क्यों अपन फालतू में रिवील करें, ठीक है। पोक्स लोग को भी मेरे पास फेस रिवील है, ठीक है भाई, दो बंदों का फेस रिवील है मेरे पास, है ना। टारगेमिंग ने तो कर ही दिया, चलो, है ना। हेड हंटर का तो किसी ने नहीं देखा होगा ना, ठीक है, पर मैंने देखा है, ठीक है, हाँ, तो मेरे पास है। पर देखो यार मैं उसको दिखाऊंगा नहीं, किसी को भी नहीं दिखाऊंगा भाई, है ना, बस किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, बस मैंने बोल दिया, क्योंकि तुम्हें पता है यार पर्सनल लाइफ होती है हर बंदे की, है ना, वो हर बंदा चाहता है कि मेरे यार मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो, लाखों में सब्सक्राइबर्स हो, मैं तब फेस रिवील करूँगा, ठीक है, तो वो यार तभी बंदा करेगा। तो बस देखो यार तुम लोग हेड मत फैलाओ यार बिल्कुल भी, ठीक है यार, क्या दुश्मनी कर रहे हो फालतू में, ठीक है। अगर यार तुम ऐसी दुश्मनी करते रहोगे ना, नुकसान तुम्हारा होने वाला उसमें, है ना, मेरा कुछ नहीं जाने वाला उसमें, ठीक है। तुम्हें पता है यार आरएस पांडा आर्मी भी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, तुम ये मत समझना भाई कि आरएस पांडा बैठे के पास बंदी नहीं है, मेंबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मत समझना भाई, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है, मतलब भूल जाओ ये सब बातें, अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, आगे तुम समझदार हो, है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, गेम पे प्ले पर फोकस कर लेते अपन, वरना पता चले भाई एक दो हेटर्स आके अपनी, है ना, हाँ कोई बात नहीं, अपनी मतलब कमेंट्स के अंदर, ठीक है, पर कोई बात नहीं यार, उनको रिप्लाई देना दे देंगे, ठीक है यार, तुम दे देना, ठीक है, मैं दूंगा ना, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार मैं यूट्यूबर हूँ, है ना, तो तुम लोग दे देना भाई रिप्लाई, अगर कोई हेटर कमेंट के अंदर दिखे ना तो रिप्लाई दे देना भाई, एकदम इतना अच्छा रिप्लाई देना कि यार, है ना, बंदा मतलब 100 बार सोचे कभी भी यार हेड फैलाने से पहले, ठीक है, हाँ, तो और कुछ ही नहीं, है ना, ठीक है। तो यार रुको, यहाँ पे दो लीजी बैठ रही है आपस में, मतलब गर्ल्स पावर दिखा रही है एक दूसरे को, ठीक है, रुको यार, इनको अपन बॉय पावर भी दिखाएंगे अभी, पर कोई बात नहीं, मैं थर्ड पार्टी करने का सोच रहा हूँ। थर्ड पार्टी करने में भाई जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है भाई, ठीक है, थर्ड पार्टी करो एंड यार मैच विन करो, ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे देखो निक्स के फेरोमोन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो निक्स के क्यों लगाया, निक्स के यूज़फुल है यार, है ना, तुम लोग सोचोगे, मतलब मेरे से पूछो भाई, है ना, निक्स के यूज़फुल है, अपनी जो फेरोमोन होता है ना निक्स के यूज़फुल है, ठीक है, मैंने बता दिया भाई 5-6 बार बता दिया है, अब तो भाई तुम लगा लेना, अगर तुम्हारे निक्स के फेरोमोन निकल रहा है ना तो लगा लो फटाफट से, है ना। और यार देखो मतलब बहुत बंदे कमेंट करते हैं इतनी जेम्स कलेक्ट कहाँ से किए, तो भाई ये मैंने रैंक पुश कर करके इकट्ठे किए हैं, जैसे कि अपन GM2 GM3 करते हैं ना कैरेक्टर्स को, ठीक है, तो वहीं से मैंने किए। एंड यार अगर तुम्हें रैंक पुश करने में दिक्कत आती है तो भाई तुम कमेंट हो दो फटाफट से, है ना, नेक्स्ट वीडियो ऑन रैंक पुश, ठीक है, तो यार मैं बना दूंगा वीडियो उसके ऊपर, है ना। वैसे तो बस और कुछ ही नहीं, तुम यार पहले कमेंट कर दो फटाफट से, है ना, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर वाई दबे में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बस तुम्हें कमेंट करना होगा भाई, अगर 10-15 क्या बोल दिया भाई, ज़्यादा हो गए, है ना, ठीक है, 5-6 कमेंट भी आ जाएंगे ना अपने रैंक पुश के लिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहले यार अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लगा लेते हैं अपन, जो कि है भाई इलाइन है, ठीक है, अपना ब्लैक पैंथर, ठीक है, तो लगा लेते हैं भाई ब्लैक पैंथर को, एंड कमेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो ये अपने इलाइने वाले कमेंट्स, ठीक है, तो भाई देखो अपन आ चुके इलाइने के साथ मैच के अंदर। देखो वैसे कि मेरे को ये कैरेक्टर ही सही नहीं लगता बिल्कुल भी, मतलब ये भी कैरेक्टर बकवास लगता है, क्योंकि यार ना कैरेक्टर का डैमेज थोड़ा कम है, एंड यार भाई अब क्या बोले, देखो बंदे ने टीम अप कर लिया उसको मैं बिल्कुल भी अटैक नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो मैंने तुम लोगों से कई बार बोला है भाई, अगर तुम्हारी लेवल का मैं मैच में मिलते हो तो भाई दिखा देना झंडा यार, ठीक है, वरना मैं तभी टीम अप करता हूँ, वरना मैं नहीं करता भाई टीम अप। मैं सोचता हूँ यार फालतू बंदा इसको मार देते हैं अपने ना, ठीक है, मैं मार देता हूँ यार, क्योंकि तुम्हें पता है किल के यार बहुत फ़ायदे हैं भाई जुआ के अंदर, ठीक है, तो मैं ज़्यादा किल करने पर वो करता हूँ भाई, ये नहीं सोचता कि ना हाँ यार छोटे लेवल का बंदा है, ठीक है। तो यार ये बात यार तुम लोग मुझसे बोलते हो क्या, हेड हंटर से भी बोला करो ना भाई, वो भी करता है, ठीक है, देखना उसकी वीडियो में जाके, कोई बात नहीं यार मत बोलो, है ना, अपन को क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे देखो यार यहाँ पे देखो मतलब तुम्हें पता होगा इस बात, अरे यार ये क्या, देखो यार तुम्हें मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ,
यार 1400 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो फटाफट से भाई सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ अपने कैसे भी करके, ठीक है। 1400 सब्सक्राइबर्स अपने हो जाएंगे ना। वैसे यार देखो इस बार मैं टारगेट थोड़ा लंबा लेके चला हूँ, ठीक है। अपना जो टारगेट है 5K सब्सक्राइबर्स का है, ठीक है। 5K सब्सक्राइबर्स करने के बाद यार मैं कंटेंट क्रिएटर फॉर्म को दोबारा से अप्लाई करूँगा। एंड यार जोमन वाइटी का भी अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला शायद उसको, युवा कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं भाई अपन, मतलब है युवा कम्युनिटी इतनी चोर भाई, एकदम चिंदी चोर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तुम यार लाइक का बटन दबा दो फिर इस वाली वीडियो पे। और यार तुम्हें मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ भाई, है ना। जो कल अपना अपडेट आया था ना स्क्वाड बस्टर्स का, तुम लोगों ने यार जो बहुत से प्लेयर्स है ना स्क्वाड बस्टर्स खेलते हैं, तो उन लोगों को भाई क्या क्या मिला होगा, तुमने देखा यार क्या क्या मिला है ना, ठीक है। एंड अब कंपेयर कर लो जुबा से स्क्वाड बस्टर्स को, क्या ही शानदार गेम है ये। देखो भाई ड्यूबी धाड़ गया मेरे ऊपर, पेटी बन जाती भाई, बच गया मैं, है ना। रुको यार उसको दूर से मारेंगे अपन भाई, इसके पास रहना तो मुसीबत है ना। तुम्हें पता है यार पेटी बन जाएगी अपनी खुद की, वरना तुम्हें पता है वो धाड़ता है भाई बार बार। देखो कैसा बकवास इमोट कर रहा है भाई, ये वाला इमोट है ना तुम समझ सकते हो अभी, है ना, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता ना यार, क्योंकि यार बोलते हैं ना भाई समझ सकते हो ना, मतलब कंटेंट अपना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा यार किरण मैथी जैसा लगेगा कंटेंट, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ भाई, बस तुम समझ जाया करो यार मैं इशारों में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई अभी देखो लेजेंडरी सोड गए, उसके पास क्या ही करा है अभी, रुको। हाँ तो ना फाइट चल, अरे भाई बढ़िया थर्ड पार्टी करते अपन, रुको भाई भाग लेते हैं, धार जाए दोबारा पता चले, कोई बात नहीं मर गया बंदा, बहुत बढ़िया यार। इसकी ये जो बो है ना इसका रेडियस बहुत छोटा है भाई, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए इसको, ठीक है, ताकि भाई बंदे इसमें आराम से आके मर जाए। पर कोई बात नहीं यार, क्या ही कर सकते अभी अपन, जुआ वालों के हाथ में है ना। मैं कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं, वरना मैं प्यार से बात करता हूँ उन लोगों से, है ना, प्यार से बात ही करता हूँ भाई मैं किसी से और किसी से, ठीक है। तो पर क्या ही करें ना, मतलब यार अभी उन लोगों ने मेरे को कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाया, बनाएंगे भी नहीं भाई, वो चोर इंसान है, ठीक है। उनको चाहिए 5K सब्सक्राइबर्स। एंड यार जोमन वाइटी के ज़्यादा है 5K से, फिर भी यार उसको पता नहीं क्यों नहीं बनाया, उसने अप्लाई कर दिया है, मैंने बंदे से बात की है भाई, है ना, फिर भी यार उसको ना मतलब बनाया नहीं। अब पता नहीं क्या ही, मतलब क्या लेना चाह रहे वो लोग यार, अगर कुछ लेना चाह रहे तो भाई मैं जोमन वाइटी से बोलना चाहूँगा यार दे दो उन लोगों को, ठीक है। हाँ भाई बस केस मत देना बिल्कुल भी, पर यार वो कुछ और लेना चाह रहे हो तो दे सकते हो ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, मतलब होता है यार युवा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चोर है, अब क्या बोले है ना, ठीक है। मैंने मतलब देखा यार है ना युवा कम्युनिटी के अंदर जितने भी है ना भाई, है ना उनकी शक्ल देखना तुम एक बार, है ना, तुम बोल दोगे यार है ना इन लोगों को ठीक से काम करना नहीं आता है, पता नहीं कौन ने डेवलपर्स बना दिया इसको, है ना, ठीक है। पर कोई बात नहीं यार है ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर अपना युवा गेम है ना अगर सुपर सेल वाले खरीद लेना भाई, तो अपना युवा गेम यार ऐसा हो जाएगा जैसे तुमने कभी डोरेमोन देखा है ना, ठीक है। डोरेमोन में तब वो जाते ना 22वीं सदी में, है ना, फ्यूचर में, तो तुमने देखा ना भाई कैसा बदला बदला लगता सब कुछ, है ना, ठीक है। वैसे अपना युवा गेम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, अपना सारे गेम प्ले हो चुके हैं कमेंट के अनुसार वाले, तो यार वीडियो को अपने एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और यार जो चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है यार उनको देखना मत भूलना, फटाफट से देख लो, ठीक है।